इस सभागृह के उद्घाटन के साथ सुरेश भट्ट की एक अर्थाकृति प्रतिमा का निर्माण इस सभागृह के प्रवेश द्वार पर हुआ है। उसका अनावरण भी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के हस्ते कर रहे हैं। सुरेश भट्ट जी का जो जीवन था, वो जीवन जितना सुंदर उनके देखे थे उतना बिंदास उनका जीवन था। नीरज की चार पंक्तियां हैं जो सुरेश भट्ट जी के जीवन का एकदम अप्रतिम व्यक्ति है। नीरज ने लिखा है कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है वो कैसे बची है, और सब जिता के जिस धरातल पर खड़े हो वो हम ही असभ्य लोगों ने बचे। उसके मैं श्रद्धेय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट दबा करके इस सभागृह का उद्घाटन करें एवं प्रतिमा का अनावरण करें। मुझे राष्ट्रपति पद का भार संभाले हुए पूरे 2 महीने नहीं है। मैंने 25 जुलाई को पदभार संभाला था। मैंने 2 कॉन्शस डिसीजन लिए। पहला डिसीजन ये था कि मैं दिल्ली के बाहर की जो भी पहली यात्रा करूँगा वो मेरे सुरक्षा बलों के सम्मान में मेरी पहली यात्रा समर्पित होती है। आई हैपन टू बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज आल्सो, और इसीलिए मैंने पहली यात्रा अपनी 21 अगस्त को लेह लद्दाख। उस समय की प्रासंगिकता मुझे और भी आवश्यक लग रही थी कि उस समय लेह जहाँ पर स्थित है, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है, दूसरी तरफ चाइना का बॉर्डर, और दोनों बॉर्डर्स के जवान। लेकिन साथ ही साथ उस समय एक और भी प्रॉब्लम चल रही थी चाइना बॉर्डर पर, दो क्लम। तो मुझे लगा कि जिन दिनों में हमारे सुरक्षा बल हमारे सीमा पर पहरा दे रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा को संभाले और उनके बीच में मैं ना जाऊं, तो शायद ये मैं समझता हूं कि उनके प्रति अन्याय है। और इसीलिए मैंने पहली यात्रा मैंने अपनी समर्पित की सैन्य बलों के सम्मान में। दूसरी यात्रा जब प्रारंभ हुई दूसरे राज्यों की, तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति के लिए मुझे बताया गया कि परंपरा ये होती है कि राष्ट्रपति जब किसी राज्य में जाते हैं पहली बार, तो वो राज्य की कैपिटल में जाते हैं। अर्थात ये महाराष्ट्र में मुझे आना था, तो सबसे पहले मैं मुंबई में जाता। लेकिन यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा उन चीज़ों से हट कर के जब मुझे मिले नितिन जी और देवेंद्र जी, तो मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था शायद वो मेरी इच्छा जो थी वो इन दोनों महानुभावों ने पूरी कर दी। और उसका कारण ये था कि जिस भारतीय संविधान की मैंने शपथ ली, उस संविधान को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना, ये तीनों जिम्मेदारियां जो भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई, तो मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे उचित और प्रासंगिक यही होगा कि मैं संविधान के जो प्रमुख शिल्पी थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी जो दीक्षा भूमि थी मैं वहाँ पर जाकर के पढ़ा। इसलिए यहाँ पर आने से पूर्व मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का, नितिन गडकरी जी का, और इन्हीं के साथ में एक हमारी सुलेखा ताई कुंभारे, जिन्होंने ड्रैगन विपसना इंटरनेशनल सेंटर बहुत अच्छा एक भव्य भवन, और मुझे लगा कि उस स्थान पर मुझे जाने का सौभाग्य मिलेगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पर
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई न जाकर के नागपुर जाने के लिए मैंने चुना। मित्रों, वीरों, क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों, संतों और कलाकारों की कर्मभूमि महाराष्ट्र वास्तव में एक महान राज्य है। यह हमारे राष्ट्र के हृदय में स्थित महाराष्ट्र। इस राज्य की महागाथा इतनी विविध और विशाल है कि यदि केवल महापुरुषों के नाम गिनाए तो उसका अंत नहीं होगा। शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी, समर्थ गुरु रामदास, तात्या टोपे, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पंडिता रामाबाई सरस्वती से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, आचार्य विनोबा भावे, यशवंतराव चौहान, बाबा आमटे तक नेतृत्व का एक प्रवाह है जिसकी कई धाराएं हैं। सामाजिक बदलाव और स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्रों में महाराष्ट्र सदैव आगे है। स्त्रियों की शिक्षा तथा दलित समाज के उत्थान के लिए महाराष्ट्र ने ही देश को राह दिखाया। महावीर और बुद्ध के आदर्शों को समाज के आम आदमी से जोड़ने का जैसा प्रयास महाराष्ट्र में हुआ है, वह देश ही नहीं दुनिया के लिए एक आदर्श है। आज मुझे दीक्षा भूमि में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के क्रांतिकारी बदलाव को स्मरण करने तथा उस पूर्ण भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला। तत्पश्चात शांतिनाथ जैन मंदिर जाकर विश्व प्रसिद्ध आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से भेंट करने का भी मुझे दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसके पश्चात कामची ड्रैगन पैलेस टेम्पल के परिसर में निर्मित विपसना केंद्र के भवन का उद्घाटन करते हुए बुद्ध वंदना सुनने का भी सुयोग मिला। इस तरह मुझे केवल एक ही दिन में और थोड़े समय में ही नागपुर में स्थित हमारे देश की विरासत और परंपराओं से जुड़ने का मौका मिला। सामाजिक और धार्मिक बदलाव के साथ साथ महाराष्ट्र आजादी की लड़ाई का भी मुख्य केंद्र रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक इस लड़ाई के कई महत्वपूर्ण अध्याय महाराष्ट्र में ही लिखे गए। महात्मा गांधी ने भी गोखले को अपना गुरु माना और इसी नागपुर डिवीजन में वर्धा को अपना कार्यस्थल बनाया। नागपुर आकर विवेकानंद केंद्र के संस्थापक एकनाथ राणा जी का पुण्य स्मरण अपने आप होने लगता है। साथ साथ महाराष्ट्र में संगीत, साहित्य और कला के क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक रत्न प्रदान किए। भातखंडे, पलुस्कर, मोगूबाई कोडकर, भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर से लेकर सुर सामग्री लता मंगेशकर तक संगीत की एक शानदार परंपरा रही। प्राचीन काल में ही अजंता और एलोरा की गुफाओं में कला की जो ऊंचाइयां हासिल की गई वो महाराष्ट्र की धरती में रची बसी प्रतिभा के बारे में बताती है। महाराष्ट्र के लोक संगीत और लोक कलाओं ने भी पूरे देश को बहुत कुछ दिया है। यहाँ लोक नाट्य में तमाशा से होते हुए पारसी थिएटर के रास्ते से हिंदी फिल्मों का विकास हुआ और हिंदी फिल्म उद्योग की साख आज पूरी दुनिया में है, जिसका केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की खासियत है कि यह देश के उद्योग और व्यापार का केंद्र रहा है, साथ ही संस्कृति और कला का। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही मुंबई में ही नाटक, चित्रकला, सिनेमा और साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी। शिक्षा और संस्कृति की अपनी विरासत को व्यापार और टेक्नोलॉजी से जोड़कर महाराष्ट्र पूरे देश को 21वीं शताब्दी में नई शक्ति दे सकता है और महाराष्ट्र ऐसा कर भी रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हम भारतवासी अपने तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास करते हुए 21वीं सदी पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ और अधिक गहराई से जुड़ती जा रही है, लेकिन विकास और परिवर्तन की इस दौड़ में हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत रखना है।
इस संदर्भ में महाराष्ट्र पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकता है। नागपुर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। नागपुर गडकरी जी और फडणवीस जी जैसे प्रखर राजनेताओं की कर्मभूमि है। इन्होंने नागपुर के विकास को नई गति और दिशा प्रदान की है। नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। जीरो माइल वाले नागपुर में देश के विकास का केंद्र बनने की क्षमता है। यह क्षमता कई ठोस कारणों पर आधारित है। साक्षरता के आधार पर शिक्षा और टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से होता है। यूनिसेफ के एक सर्वेक्षण के अनुसार 92% से भी अधिक साक्षरता के साथ नागपुर महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और औरंगाबाद शहरों से आगे निकल गया है और राज्य का सबसे साक्षर जिला बन गया है। मैं नागपुर वासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। अंत में मैं मराठी भाषा के अत्यंत लोकप्रिय कवि सुरेश भट्ट जी के बारे में एक प्रेरक बात आप सबसे साझा करना चाहूंगा। जो मराठी भाषी तो जानते हैं, लेकिन अधिकांश भारतवासी शायद ना जानते। उनकी जीवनी के विषय में मैंने जब जाना तो यह पाया कि बचपन में ही उनका दाहिना पैर पोलियो से ग्रस्त हो गया और वे जीवन भर दिव्यांग रहे। इसके बावजूद उन्होंने ऐसी लोकप्रियता पाई कि आज उनके नाम पर एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त सभागृह का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सीमाओं को पार करते हुए जीवन में कुछ कर गुजरने की यह मिसाल प्रेरणा देती है। इसी प्रेरणा के साथ मैं आज के समारोह के आयोजकों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र के समग्र विकास की मंगल कामना करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि नागपुर के लोग महाराष्ट्र के और पूरे राष्ट्र के विकास में अपनी शानदार भूमिका अदा करते रहेंगे और 21वीं सदी के भारत के निर्माण में भरपूर योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।